इस साल होली 24 मार्च को है, जबकि रंगों वाली होली 25 मार्च को है। इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। आइए जानते हैं कि इस साल होली पर चंद्र ग्रहण के क्या मायने रहेंगे और होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ साया कब से कब तक रहेगा। साथ ही होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त और आसान पूजन विधि भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से लेकर 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक रहेंगी। ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 से रात 12:27 तक रहेगा, यानी कि आज शाम तक भद्रा होने के कारण रात 11 बजे के बाद ही होली का दहन होगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त 11 बजे के बाद ही शुरू होगा। हालांकि भद्रा काल में होली की पूजा जरूर की जा सकती है, जिसके लिए शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी सूर्यास्त के बाद अगले 2.5 घंटे तक यानी प्रदोष काल में भद्रा रहे तो भी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन होली का दहन भद्रा दोष खत्म होने के बाद ही करना चाहिए। वहीं पूजा विधि की बात करें तो होली पूजन के लिए आपको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह कर पूजा करनी चाहिए। साथ ही में भगवान नरसिंहा और प्रहलाद को प्रणाम करें, चंदन अक्षत और फूल सहित पूजन सामग्री चढ़ाएं। वहीं देखिए होली के दहन के बाद शरीर के नाक पर कच्चा सूत लेकर सिर के चारों ओर घुमाकर होली की आग में जलाते हैं। जलती होली की 3 परिक्रमा की जाती है और होली की आग में नया अन्न पकाकर प्रसाद के तौर पर भी बांटा जाता है। वहीं देखिए डोरा नाम की राक्षसी के नाश के लिए आग के आसपास शोर मचाकर नाच गाना किया जाता है। बच्चे लकड़ी की तलवारों से भी खेलते हैं। वैसे आपको बता दूं, हर जगह होली पूजन और होली दहन के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, जो पुराने समय से हमारे बुजुर्ग जिस हिसाब से होली पूजन और होली दहन करते आए हैं, हमें भी उसी हिसाब से रीति नीति के तहत होली पूजन और दहन करना चाहिए, क्योंकि हर जगह अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। जिस हिसाब से आपको आसान तरीका लगे वैसे ही आपको होली पूजन और दहन करना चाहिए, जैसा कि हमारे पूर्वज करते आई है। बड़ी जानकारी आपके लिए यही है, 24 मार्च की रात 11 बजे के बाद ही होलिका दहन होगा। इस साल होली पैरों पर शनि अपनी राशि कुंभ में है, इसके साथ शुक्र और मंगल की युवती रहेंगी। और देखिए खास बात ये है, मंगल और शनि परस्पर शत्रु है। शुक्र शनि का मित्र है लेकिन मंगल का शत्रु है, तो तीनों अलग अलग राशि के ग्रह हैं, लेकिन एक साथ कुंभ राशि में है और होली मानेगी, ऐसा योग 884 साल बाद बन रहा है। और खास बात ये भी है कि इस साल विश्व के कुछ हिस्सों में उपचा चंद्र ग्रहण ही रहेगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि इसका भारत पर कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे में इसका सूतक भी नहीं रहेगा, यानी कि चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।